पानी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, वैसे एक बूंद की कीमत बहुत होती है, फिर चाहे वो पानी हो या फिर एक बूंद विष का हो। जी हाँ, देख लीजिए एक बूंद विष से किस तरह एक विष कन्या और विष पुरुष आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, सीरियल विष में। एक बूंद विष की कीमत तुम क्या जानो दर्शक बाबू, एक बूंद से एक विष कन्या और दूसरी बूंद से विष पुरुष तैयार हो जाता है, और ये कैसे होता है ये सबरीना से सीखिए। और तुम्हें आदित्य नाम का एक लड़का मिलेगा, अपनी शक्तियों से उसे बांधना या हलाना होगा। तो अभी तो वो अभी कुछ भी करेगी विशेला को जिंदा करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग दैट शी हैज़ डन इज़ जो विशेरा के पास से वो जो दंड मिला था उसमें बहुत सारे मतलब दुनिया के जितने विषकन्या और विषपुत्र है सबको कैप्चर करके उसका जहर उसने रखा था, तो उससे उसने रिलीज़ किया दो, एक विषकन्या और एक विषपुत्र, और उन लोगों को उसने भेजा। एक का सब सारी विषकन्याओं की खूबियाँ अलग अलग होती है, तो उसकी खूबी है कि वो पता नहीं रिझालती है, और उसके उस विषय विषपुत्र का खूबी कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या है खूबी उसकी, अच्छा रूह को कैप्चर कर सकता है। तो उसको उसने भेजा आलिया के पास उसकी रूह को कैप्चर करने के लिए, और उसको उसने लड़की को भेजा आदित्य के पास उसको कैप्चर करके मेरे पास लेकर आने के लिए ताकि मैं सोल ट्रांसफ़र कर सकूँ। वाह भाई सबरीना, मानना पड़ेगा आपको और आपके छड़ी में छुपे हुए इस ग्रीन कलर के जूस को, जो एक बूंद में ही एक विष कन्या एक विष पुरुष को तैयार कर सकता है। आदित्य और आलिया के नैनों का तो पता नहीं, लेकिन उनका एक साथ होना ही एक कसूर है, और ये किसी और के नहीं बल्कि विष के कसूरवार है। अब विष को जिस पुरुष की तलाश थी वो आदित्य निकला, अब आदित्य को मारकर विष को अपने विषेला को जिंदा जो करना है, इसीलिए विषेणी यानी कि सबरीना ने ये पार्टी रखी है। इस पार्टी में आलिया और आदित्य एंजॉय तो खूब कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पीठ पीछे चल रही साजिश से जरा बेखबर है। मेन एजेंडा सबरीना का कुछ और ही है, दैट इज टू बेसिकली कैप्चर मी एंड आदित्य, मी एंड आलिया, और आदित्य की बॉडी वो विशेला के पास लेके जाए, सो ताकि वो अपने विशेला को रिवाइव कर सके एंड जस्ट गेट आलिया आउट ऑफ द वे। एंड फिर भी हम इस पार्टी में थोड़े से वरिड है, बट आदित्य मुझे डांस के लिए ऑफर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड हाँ, जाते जाते आपको पर्दे के पीछे का नजारा भी बताते हैं, जहां आलिया यानी कि सना का गाउन कहर मचा रहा था, कभी डांस करने के बीच अटक जाता तो वहीं उनके गाउन को संभालने के लिए दो लोगों की जरूरत तो पड़ ही जाती थी। वैसे कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।